वापस लो, वापस लो, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, गांधी जिंदाबाद, जनता इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। जनता सबक सिखाएगी जब भी भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएंगे। और इनके सबसे अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं वो है शौचालय के। ना बरसात में शौचालय चला, न सर्दी में शौचालय चला। इन्हें जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में देखने। समाजवादियों के दिए हुए लैपटॉप अभी चल रहे हैं और इनका शौचालय नहीं चल पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी शौचालय की तरफ देश को और समाज को ले जाना चाहती है। समाजवादी पार्टी लैपटॉप देकर के दुनिया के बराबर प्रदेश और देश को खड़ा करना चाहती है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि योगी वही है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या मुख्यमंत्री जी दूसरों का दुख अपना दुख समझ रहे हैं? अभी कंबल बांटने गए थे रात में, मुख्यमंत्री जी गाड़ी में बैठे, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे और उन्हीं के अधिकारियों ने वो कंबल गरीबों से छीन लिए इस सर्दी में। जहां तक सवाल देश का है और समाज का है, सदियों से भारत में लोग मिलकर के रहे हैं, ये हमारी संस्कृति है। और भारत का रंग तिरंगा है झंडे का, ये तिरंगा ही रहेगा, कोई एक रंग में नहीं कर पाएगा, ये भारत देश की जनता जानती है। मुख्यमंत्री जी को ये मौका मिल गया अन्याय कर करके, और जिस तरीके से उन्होंने पुलिस को खुली छूट दी और जो प्रदर्शन था, धरना था, आंदोलन था, लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी गुस्से को, अपनी बात को रख रहे थे। मुख्यमंत्री जी की भाषा याद है आपको, उन्होंने ये कहा कि बदला लिया जाएगा। और ये पहली बार नहीं उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा, विधानसभा के सदन में उन्होंने कई बार ये कहा है कि ठोका जाएगा, ठोक देंगे। जिस सरकार के मुखिया की भाषा ऐसी हो और जिन्होंने पूरी खुली छूट पुलिस को दे दी हो, और सच्चाई ये है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने निर्दोष लोगों की पुलिस की गोली से हत्या करवाई है। भारत की सरकार एक रिकॉर्ड बना रही है, जहां अर्थव्यवस्था अभी तक की रिकॉर्ड नीचाई पे पहुंच गई है, आपकी बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा है भारत में, इसी तरीके से इंटरनेट बंद करके भी रिकॉर्ड दुनिया में भारत बनाना चाहता है।